फिर से स्वागत है, ये खबरों में बड़े आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात रूस में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेकर स्वदेश वापस लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को बेहद उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने और दुनिया भर के नेताओं से मिलने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को पुतिन को मेजबानी के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर विश्व भर के नेताओं से चर्चा का अवसर मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान भारतीय सेना के हरित पहल और एआई के डिजिटलीकरण के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री विकास और सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण पर वक्तव्य भी देंगे। कार्यक्रम में नीति निर्माता, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी और वैज्ञानिक भाग लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर जारी है। इसी कड़ी में कई दिग्गज उम्मीदवार आज राज्य में जगह जगह अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। बीजेपी के 23 उम्मीदवार आज अपना नामांकन भरेंगे। मुंबई में बीजेपी के 6 प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। एनसीपी के नेता छगन भुजबल भी आज अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले भुजबल एक भव्य रैली करेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने कल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कुछ सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श अभी भी जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शेष 18 सीटों के बारे में एसपी सहित अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार की याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में अजित पवार को कुछ शर्तों के साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत मिली थी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। अगर वोटिंग से पहले कोर्ट शरद पवार के पक्ष में फैसला देगा तो अजित पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा कर दी है। तीसरी लिस्ट में 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस सूची में मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र, पालघर और ठाणे के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। बात अगर झारखंड की करें तो पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है कल। ऐसे में बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी आज कई बड़े नेता, कई राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रांची, हटिया, कांके, मांडर और राजमहल विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बरकट्ठा में अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव के नामांकन के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। चंदन क्यारी से अमर कुमार बाउरी, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू नामांकन दाखिल करेंगी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। सपा प्रमुख ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद घनश्याम लोधी ने एक याचिका दायर कर नामांकन के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में घनश्याम लोधी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। मोहिबुल्ला पर अपनी शादी की बात छिपाने के साथ साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड में चल रहे मुकदमे और अपने पेशे की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले घनश्याम सिंह लोधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को नोटिस जारी करके मोहिबुल्ला से जवाब मांगा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श IGC की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज जर्मन व्यवसाय के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संघ समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। सुनील अम्बेकर ने समाज को संगठित और सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरह कस्बा के परखम में 10 दिवसीय RSS की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मथुरा में आयोजित 10 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत समेत संघ के सर कार्यवाहक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। IMD ने चक्रवात दाना के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना जताई है। तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों में NDRF की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमें भी हाई अलर्ट पर है। चक्रवात के टकराने से ठीक पहले भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तूफान के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात के मद्देनजर कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। चक्रवात दाना से पहले एहतियात के तौर पर कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन आज शाम 6 बजे से 15 घंटे के लिए निलंबित रहेगा। चक्रवात दाना को देखते हुए पश्चिम बंगाल राजभवन ने भी जरूरत की इस घड़ी में जनता की सहायता के लिए टास्क फोर्स और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राज्यपाल के निर्देशन में राजभवन ने फोन नंबरों के साथ 24/7 नियंत्रण कक्ष बनाया है और आपातकालीन स्थिति में 033-2200-1641 पर कॉल करके और मेल करके मदद मांगी है, मांगने का कहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तमिलनाडु के 11 शहरों में नए निजी FM रेडियो केंद्रों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इसकी जानकारी दी। चेन्नई में डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कारोबार के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले 1500 पुराने कानून हटा दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व महानिदेशक पीके बंदोपाध्याय का कल कोलकाता में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी बंदोपाध्याय का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में एक लंबा और उत्कृष्ट करियर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत सारनाथ का सुंदरीकरण किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Washington DC में कहा, भारत ने संकट के समय में अपने पड़ोसियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से पहले बिना किसी शर्त के वित्तीय सहायता प्रदान की। वित्त मंत्री ने ऐसे देशों और उनको दी गई सहायता का जिक्र किए बगैर बताया कि भारत अपने पड़ोसी देशों के करीब है, इसलिए ब्रैटन वुड्स में तेज संस्थानों के वहां आने से बहुत पहले भारत वहां पहुंचा और मदद राशि का बेहतर इस्तेमाल हुआ। मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने कई अफ्रीकी देशों को अपने संस्थान, पोर्ट, पुल, सचिवालय और रेलवे स्टेशन बनाने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की है। साथ ही भारत वैश्विक दक्षिण देशों को सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत मुद्रा स्फीति की एक और लहर का जोखिम नहीं उठा सकता है, साथ ही मुद्रा स्फीति के स्थायी रूप से सही होने की स्थिति का इंतजार करना होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है।
दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मुद्रास्फीति में निकट अवधि में बढ़ोतरी के बावजूद साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण 4% लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की ओर इशारा करता है। एमपीसी ने बेंचमार्क ब्याज दर को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है, जो लगातार 10वीं बार है जब एमपीसी ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हवाई अड्डों पर मौजूद अपने लाउंज के एक्सेस से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार अपने रुपए सक्षम क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए से अधिक का खर्च करने पर इन लाउंज में अनलिमिटेड एक्सेस मुफ्त होगा, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के विदेशी निर्यात पर लागू $490 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से यह कदम उठाया। देश ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल अगस्त के दौरान 201 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गैर बासमती सफेद चावल निर्यात किया। मध्य प्रदेश में RIC के 5वें संस्करण के दौरान 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त, जिनसे राज्य में 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे पैदा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में 85 औद्योगिक इकाइयों को 146 एकड़ भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र भी वितरित किए, जिससे करीब 918 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 3,350 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डालमिया समूह के पुनित डालमिया ने 3,000 करोड़ रुपए के निवेश से रीवा में 40 लाख टन क्षमता के सीमेंट और क्लिंकर इकाई स्थापित करने की घोषणा की। AI की निगरानी के लिए एक नया नियामक बनाने की जगह सरकार AI से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने के लिए एक AI सुरक्षा संस्थान बनाने पर कर रही है विचार। सरकार ने कहा कि उन्हें AI से जुड़े खतरों का ज्ञान है और वह ये कदम साइबर सुरक्षा और कानूनी व नैतिक मुद्दों पर एक प्रमुख समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के बाद उठा रही है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल को भी शामिल किया गया है। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सहकारी नेटवर्क NCC, FNAFED और केंद्रीय भंडार के माध्यम से साबुत चना 58 रुपए प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खुदरा रूप में बेची जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बायजू के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई बंद करने के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण ने बायजू और BCCI के बीच करीब 158 करोड़ रुपए के समझौते को भी स्वीकार कर लिया था। अदालत ने उस फैसले को भी पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 158 करोड़ रुपए की राशि लेनदारों की समिति ने एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी और इसे लेनदारों की ओर से नियंत्रित किया जाएगा। दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने 13,768 करोड़ रुपए में भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का अधिग्रहण करने का सौदा पूरा किया। मैनकाइंड फार्मा ने कहा कि यह रणनीतिक कदम कंपनी के लिए एक अहम छलांग है, जिसने इसे भारतीय महिला स्वास्थ्य और प्रजनन दवा बाजार में एक मार्केट लीडर के रूप में स्थापित किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र पर AI के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला और परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि AI ऊर्जा उद्योग के विकास में मील का पत्थर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि AI क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और ऊर्जा क्षेत्र में दक्षता बढ़ाएगा। तुर्की के सरकारी एरोस्पेस कंपनी पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए हैं।
तुर्की के गृहमंत्री अली यरलिकया ने अपने एक्स अकाउंट पर इस हमले के आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने लिखा कि इस हमले में कुछ शहीद हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं। ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सुरक्षा अलर्ट के कारण करा गया खाली। इसके चलते कई घंटों के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गईं। मध्य इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस को एक संदिग्ध वाहन की रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने हवाई अड्डे को कई घंटों तक आंशिक रूप से बंद करने का आदेश दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत लगाया गया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से पुणे में शुरू हुआ। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। भारत और जर्मनी के बीच खेली जा रही 2 मैच की हॉकी सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को 2-0 के अंतर से हराया। युवा पहलवान विश्वजीत मोरकी ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में विश्वजीत ने यूए के पहलवान को हराया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान जोहर कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत ने अपने 3 मैच में जीत दर्ज की थी। केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 के मसौदे पर चर्चा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स से नाम वापस ले लिया है। जोकोविच ने नाम वापस लेने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के मैच में बायर्न म्यूनिख को 4-1 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओर से कप्तान राफिन्हा ने हैट्रिक लगाई। यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना फेनरबाच से होगा। मैन यू के मैनेजर को उम्मीद है कि उनकी टीम ये मैच जीतने में कामयाब रहेगी। फेनरबाच के मैनेजर होजे मोरिन्हो ने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहैम हॉटस्पर यूरोप लीग जीतने के प्रबल दावेदार हैं। लिब्रॉन जेम्स और उनके बेटे ब्रोनी जेम्स ने इतिहास रच दिया है। ये जोड़ी NBAF के इतिहास में एक ही वक्त पर एक ही टीम के लिए खेलने वाली पहली पिता पुत्र की जोड़ी बन गई है। मैक्सिको के F1 ड्राइवर सर्जियो पेरेस ने स्वीकार किया है कि रेडबुल टीम के साथ उनका ये साल काफी मुश्किल रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे सके। ब्रिटिश मुक्केबाज टायसन फ्यूरी को भरोसा है कि वह हेवीवेट विश्व खिताब के रीमैच में अलेक्जेंडर को हरा सकते हैं। न्यूयॉर्क यांकीज का कहना है कि वे वर्ल्ड सीरीज शोडाउन में लॉस एंजलिस डॉजर्स का सामना करने के लिए काफी उत्साहित हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बताया कि वे हिंदी के डायलॉग मिस करती हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा भी किया कि कब बॉलीवुड फिल्म में वो वापसी करने वाली हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास ने अपने जन्मदिन पर अपनी अपकमिंग फिल्म राजा साहब का पोस्टर शेयर किया है। रेसलर बबीता फोगाट ने फिल्म दंगल को लेकर बताया कि आमिर खान की टीम ने उन्हें फिल्म की कमाई का 1% हिस्सा भी नहीं दिया। डिज्नी टू पर आधिकारिक रूप से काम शुरू हो गया है। वहीं आमिर खान और सूर्या कथित तौर पर अपनी 2008 की ब्लॉकबस्टर फिल्म के सिक्वल की शूटिंग एक ही समय पर करने वाले हैं। मुंबई में अरशद वारसी की फिल्म बंदा सिंह चौधरी की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें इंडस्ट्री के कई सितारों ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान फिल्म के कलाकारों के साथ टीम भी मौजूद रही। फिल्म अमरन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने सिटाडेल हनी बनी की शूटिंग के दौरान अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का खुलासा किया। अभिनेत्री ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ जब उन्हें सुबह IV लगाया जाता था। विकी जोनर पिकू मद्रास कैफे की सफलता के बाद निर्देशक सुजीत सरकार फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक लेकर आएंगे। फिल्म 22 नवम्बर 2024 को रिलीज होगी। कॉमेडी फिल्म गो नोनी गो का पोस्टर ट्विंकल खन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्रीय संगीत रहेगा। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब TD न्यूज की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है, और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।